इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पैरामीट्रिक अगर कोई कर्व है तो उसके लिए रेडियस कर्वेचर कैसे ज्ञात करेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा। माना कि अपने पास कोई समीकरण है x इजिकल टू एफ टी और y इजिकल टू फाइव टी, यानी x और y दोनों t के फंक्शन हैं, दोनों x और y दोनों t के फंक्शन दे रखे हैं। तो dy बाई dx क्या होगा, को लिख सकते हैं आप dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। यदि dy बाई dt को हम y डैश मान लें और dx बाई dt को x डैश मान लें तो इसको आप लिख सकते हो x डैश अपॉन y डैश। अब d2y बाई dx के निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, dy dx ऑफ dy बाई dx इसका है लिख सकते हैं, क्योंकि अब फंक्शन ये किसका है, t का है, तो d by dx into y dash upon x dash, तो इसको आप ले सकते हो d2y by dx के लिए इक्वल टू d by dt y dash x dash into dt by dx। तो इसको u upon v से आप करोगे तो x dash का क्या लिखोगे आप, x dash y double dash माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, और डी टी वाई डी एक्स को लिख सकते हो अब वन अपॉन एक्स डैश, तो ये हो जाएगा नीचे एक्स डैश की क्यूब। फार्मूला है आपके पास रो इज इक्वल टू वन पल रो इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर होल रेज टू द पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब अपने पास डी वाई बाई डी एक्स का मान भी है और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का मान भी, दोनों की वैल्यू हमने रख दी, तो रो इज इक्वल टू वन प्लस वाई डैश अपॉन एक्स डैश, इसका स्क्वेयर करेंगे तो वाई डैश का स्क्वेयर अपॉन एक्स डैश का स्क्वेयर, एलसीएम ले लेंगे तो एक्स डैश का स्क्वेयर प्लस वाई डैश का स्क्वेयर, बाहर पावर आ जाएगी एक्स डैश की क्यूब वन अपॉन एक्स डैश की क्यूब। यहाँ से अगर आप मान रखोगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का, तो ये आपके पास एक्स डबल डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, एक्स की एक्स डैश की क्यूब दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर फोर पैरामीट्रिक कर्व आपके पास आ जाएगा एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर की पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। इसी तरह दूसरे अगर फंक्शन आपका साई का है, कोस साई इज इक्वल टू डीएस डीएक्स बाई डीएस और साइन साई आपका है डीवाई बाई डीएस, तो टेंजेंट साई होता है डीवाई बाई डीएक्स, तो कोस साई का आप दोनों साइड में आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये हो जाएगा कोस का क्या होता है माइनस साइन साई डी साई बाई डीएस डी टू एक्स बाई डीएक्स स्क्वेयर डीएस स्क्वेयर, तथा साइन साई का कोस साई डी साई बाई डीएस डी टू वाई बाई डी एस स्क्वेयर होती है। ये यहाँ ये गलत है, ये आपके पास आएगा यहाँ ये वाई आना चाहिए, ठीक है डी टू वाई बाई डी एस स्क्वेयर। अब वन इसको ले सकते हो डी साई बाई डी एस को वन अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस डी टू एक्स बाई डी एस स्क्वेयर अपॉन साइन साई, तो वन अपॉन रो यहाँ से लिख निकाल सकते हो वन अपॉन रो इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एस स्क्वेयर अपॉन कोस साई, ठीक है। तो ये वन अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस डी टू एस एक्स बाई डी एस स्क्वेयर और साइन साई का मान आपके पास डी वाई बाई डी एस, तथा वन अपॉन रो इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एस स्क्वेयर अपॉन डी एक्स बाई डी एस। तो समीकरण एक से वन अपॉन रो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस डी टू एस बाई डी एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से अगर आप मान निकालोगे वन अपॉन रो डी डी एक्स अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एस स्क्वेयर, दोनों का स्क्वेयर करके हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास वन अपॉन रो स्क्वेयर वन अपॉन रो स्क्वेयर डी टू एक्स बाई डी एस का स्क्वेयर प्लस डी टू वाई बाई डी एस का स्क्वेयर। तो वन अपॉन रो का फार्मूला आपके पास ये भी होता है
वन अपॉन रो स्क्वेयर इज इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी एस स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस डी टू वाई बाई डी एस का स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो इस तरह हम ये जो हैं इनको आप